ईयर का फीटल स्कल देखेंगे जो कि मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड हमें पता चल गया है कि A&M का जो एग्ज़ाम है वो 25 नवंबर से है। अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। बाय द वे, ये जो फीटल स्कल है वो शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं एंड प्रैक्टिकल के थ्रू प्रोसीजर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने पता होगा कि जो फीटल स्कल है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वुमन बॉडी का, या फिर जिनका कोई भी मानो जाती हो, अगर ब्रेन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। वैसे ही फीटल स्कल है, एक गॉड ने नेचर बनाया है फीटल स्कल जैसे होता है, वो पेल्विक कैविटी से कैसे डिसेंड डाउन होता है। ओके, तो हम देखेंगे कि फीटल स्कल होता है क्या है। फीटल स्कल क्या है? फीटल स्कल एक कवर है जो कि अंदर क्या होता है, ब्रेन सेफ होता है। ओके, ऊपर की तरफ से कवर नुमा स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिसमें कि ब्रेन सेफ होता है, फीटल स्कल वो होता है। अब हम देखेंगे कि डायग्राम के थ्रू ही हम समझेंगे। अगर आप चाहो तो इमीडिएट जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप नोट्स बना सकती हो, और वैसे ही हमें प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना होता है। ओके, आप वर्बली टिप्स पे याद कर सकते हो इसको, तो हम इजीली वे में बिल्कुल देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ओके, उस प्रकार से हम इसको नोट्स बनाएंगे। तो मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो हम देखेंगे फीटल स्कल, हमने बता दिया कि फीटल स्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन कवर्ड होता है। ओके, ये तीन पार्ट से मिलकर बनता है, फीटल स्कल तीन पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट फेस होता है, एंड सेकेंड बेस होता है, एंड थर्ड वॉल्ट होता है। आप नीचे की तरफ जहाँ से हमारा मेंटम होता है ना, उसके नीचे की तरफ जितने होते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। बेस का मतलब नीचे का हिस्सा। ओके, आप बेस से मतलब से ही समझ जाते होंगे। ओके, और जो वॉल्ट होता है, वॉल्ट हम बोल सकते हैं जिसमें कवर्ड है, ऊपर वाला जितना वर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्ट, एंड आगे का जो होता है ना उसको हम फेस बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि जो ये होता है कितने फीटल स्कल कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, बेस, वॉल्ट एंड फेस। ओके, अब हमने समझा कि ये पार्ट्स इनके हमने देख लिए कि कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं, एंड हम देखेंगे कि जो वॉल्ट होता है वो 7 बोन से मिलकर बना होता है। ओके, वॉल्ट में कितनी बोन होती है, 7 बोन होती है। तो हम उन बोन के नाम को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, और देखेंगे फर्स्ट जो फ्रंटल होता है, फ्रंट के नाम से आपको समझ में आ रहा, फ्रंटल का मतलब होता है बिल्कुल आगे आगे वाला हिस्सा। ओके, जहाँ हमारा आई, माउथ, नोज होते हैं उनको हम फ्रंटल बोलते हैं। वो हमारा फ्रंटल वाला हिस्सा होता है, एंड फ्रंटल के बाद हमारा आता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल जो आई होती है ना, जस्ट उसके ऊपर अपर साइड में होता है, उसे हम टेम्पोरल बोलते हैं, जहाँ से हमारी हेडक स्टार्ट होती है। माइग्रेन और सीवियर जैसी भी हेडक होती है उसे हम बोलते हैं। ओके, टेम्पोरल बोन बोलते हैं, जस्ट बिकॉज उसके पीछे जो होती है उसे हम बोलते हैं पेराइटल, एंड उसके पीछे होती है उसे हम बोलते हैं ओसिपिटल। बहुत ही ईजिली वे में मैंने बताया कि वॉल्ट जो होती है वो 7 बोन से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट फ्रंटल होता है, 2 टेम्पोरल होते हैं, 2 पेराइटल होते हैं, एंड 1 ओसिपिटल होते हैं। ओके, ये हमारा वॉल्ट कम्प्लीट होता है। यहाँ पर आपने फीटल स्कल में देखा होगा, या फिर कोई भी मानो जाती है, तो जो आई होते हैं उनके मिड में जो चीज़ होती है ना उसको हम बोलते हैं ग्लैबुला। ये वन वर्ड में पूछे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैबुला बोलते हैं, बिल्कुल मिड में जो होता है। और जस्ट बिकॉज इसके नीचे जो होता है उसे हम मेंटम बोलते हैं, चिला बोल सकते हो, जहाँ से मैंडिबल स्टार्ट होता है हमारा। एंड हम देखेंगे, हमने पार्ट्स के बारे में, वॉल्ट मैंने पढ़ लिया, अब हम देखें, आपने देखा होगा कि जो फीटल स्कल होते हैं उनके उनमें ना फोंटेनल पाए जाते हैं। फोंटेनल का मतलब होता है जहाँ से उनके साइड साइड में एमिनेंस होते हैं, जहाँ से बोन बनना स्टार्ट होता है, चूँकि फोंटेनल होते हैं जो कि क्या करते हैं, जितनी भी बोन्स जुड़ते हैं उन्हें सूचर बोलते हैं, जहाँ सूचर आके जुड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोंटेनल। फोंटेनल का मतलब वहाँ पे गड्ढा सा होता है, उनको भरने में काफ़ी टाइम लगता है, एंड आगे और पीछे दोनों होते हैं। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। जो एंटीरियर होता है फोंटेनल उसे ब्रैग्मा बोलते हैं, जो पोस्टीरियर फोंटेनल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। ओके, अब फोंटेनल से मैं दिखाऊंगी आपको फोंटेनल किस प्रकार से होते हैं।
इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रही है ना, दिस इज फॉन्टेनल, ओके, एंटीरियर फॉन्टेनल, फॉन्टेनल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल। जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है ना, वो काइट शेप में होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल लैम्डा शेप में होता है, ओके। जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है उसको भरने में कुल आपको 18 महीने लग जाते हैं, ओके। और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है उसको भरने में आपको 1.5 महीने लगते हैं, मतलब कि 6 वीक लग जाते हैं, ओके। जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो काइट शेप में होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल लैम्डा शेप में होता है। अब हम सूचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सूचर्स क्या होते हैं। तो जो हमारा ब्रेन होता है, सूचर्स के बारे में हम देखते हैं, ओके। एक फीटल स्कल्स में जो आगे की तरफ होता है, मतलब कि जो फ्रंटल वाला पार्ट होता है ना, अगर फीटल स्कल्स में जो बेबी होते हैं उनमें फ्रंटल दो होते हैं, ओके। जब ये जुड़ते हैं ना, बोन जो आपस में जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे फ्रंटल सूचर बन जाता है। और ये 8 ईयर की एज में क्या होता है, एक बोन बन जाते हैं, पूरा एक फ्रंटल बन जाते हैं, ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल सूचर बोलते हैं। उसके जस्ट ऊपर जो बीच वाला होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना सिजाइटल सूचर बोलते हैं, जो कि दो पेराइटल बोन्स को जोड़ते हैं आपस में, ओके। उसे हम क्या बोलते हैं, सिजाइटल सूचर, जो ट्रांसवर्स में होते हैं। एंड दो पेराइटल और फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर होते हैं ना, उन्हें हम कोरोनल सूचर बोलते हैं। और जो ओसिपिटल और पेराइटल बोन को कंटिन्यू में जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डोटल सूचर बोलते हैं, ओके। बिल्कुल इजीली वे में बताया, आगे की तरफ फ्रंटल सूचर होता है। ऐसे ही आपको प्रोसीजर के दौरान आपको प्रोसीजर को परफॉर्म करना है एंड वर्बली बताना है टीचर को, ओके। आगे की तरफ फ्रंटल सूचर होता है, उसके बाद जो आता है उसे हम सिजाइटल सूचर बोलते हैं। और दो पेराइटल और ओसिपिटल के दो पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन को जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। और जस्ट ओसिपिटल और जो फ्रंटल ओसिपिटल और जो ओसिपिटल और पेराइटल को जोड़ता है, उसे हम लैम्बडोटल सूचर करते हैं कहते हैं, ओके। अब हम फीटल स्कल्स के डायमीटर के बारे में कंटिन्यूअस करेंगे। डायमीटर को मैंने बिल्कुल इजीली वे में बताया कि कैसे आप डायमीटर, चूँकि हार्ड होता है, और मैंने ऐसे बताया है, एक अपने शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू बताया है कि आपको कैसे किस प्रकार से डायमीटर आप याद कर सकते हो। तो हम डायमीटर को कंटिन्यू करते हैं, ओके। ये मेरा नोट्स रहा डायमीटर वाली। तो हम पढ़ेंगे SOS, सेंड SMS, प्लीज ट्रांसफर सम मनी, ओके। SOS में S वे सारे डायमीटर हैं जो ओसिपिट रीजन से जाते हैं और कहाँ तक, ब्रेगमेटिक तक, मतलब कि जो ओसिपिट पीछे है, और ब्रेगमा, ब्रेगमा मतलब एंटीरियर जो फोन्टेनल है, वहाँ तक जो डायमीटर होती है वो 9.5 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल आपको इजी तरीके में लिखना है SOS, सेंड SMS, प्लीज ट्रांसफर मनी। तो SOS का मतलब है कि जो जितने भी डायमीटर से वो ओसिपुट रीजन से आ रहे हैं आगे की तरफ, ओके। तो ओसिपुट से S आया है, और कहाँ तक, ब्रेगमा तक आया है, तो इसकी जो डायमीटर है वो 9.5 सेंटीमीटर है। अब ओसिपिटल से, ओ का मतलब देखो, ओसिपिटल से कहाँ तक आया, फ्रंटल तक, पूरा फ्रंटल तक आया। फ्रंटल बोन मतलब जो आगे की तरफ जो फ्रंटल सूचर है, मिड में ग्लैबुला तक, वहाँ तक आया है। तो उसकी जो सेंटीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है, नहीं 11.5 सेंटीमीटर है। और S का मतलब है सब ओसिपिटल, मतलब कि वो ओसिपिट नीचे, ओसिपिट के नीचे से आया है, और कहाँ तक, फ्रंटल के मिड में, मिड में मतलब जो फ्रंटल सूचर है पूरा उसके बीच में आया है, उसको हम बोलते हैं मिड में, ओके। फ्रंटल सूचर तक आया है तो वो हमारा होगा कितना, वो हमारा होगा 9.5 सेंटीमीटर होगा, ओके, 10 सेंटीमीटर होगा। अब SMS में देखते हैं, सब मेंटो ब्रेगमेटिक से, मतलब कि मेंटम का मतलब है जहाँ पे हमारा चिल होता है वहाँ से, मेंटम का मतलब है मीन्स सब, सब का अर्थ है बिलो, बिलो का होता है नीचे, ओके। मेंटम जो होता है हमारा चिल होता है, वहाँ से डिस्टेंस कहाँ तक जा रही है, अब ब्रेगमा तक, वहाँ तक, ब्रेगमा तक क्या होती है 9.5 सेंटीमीटर, मतलब कि चिल से लेकर एंटीरियर जो फॉन्टेनल है ब्रेगमा तक, वहाँ तक की डिस्टेंस 9.5 सेंटीमीटर होती है।
एम से देखो, मेंटो वर्टिकल हाईएस्ट डायमीटर, ये हमारी फिटल स्कल की सबसे हाईएस्ट डायमीटर होती है, वन वर्ड में आते हैं। हाईएस्ट डायमीटर कौन सी होती है एंड जो सबसे स्मॉल डायमीटर होती है वो कौन सी होती है। एंड हाईएस्ट डायमीटर में आप देखोगे कि ये मेंटम से लेके कहाँ तक, वर्टेक्स तक जा रही है, मतलब वर्टेक्स का मतलब है पूरा वॉल्ट, वो कितनी होती है 14 सेंटीमीटर होती है। एंड एस का मतलब है सब मेंटो वर्टेक्स बिलो द चिल से लेकर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स तक कितनी होती है, 11.5 होती है। सो प्लीज़ में देखेंगे बिल्कुल सिंपल वे में लिखा, इससे ज़्यादा इसे इजी नहीं किया जा सकता है क्योंकि बुक में बहुत ही हार्ड दिया हुआ है। सो हमने एक टिक लगाया है कि आप कैसे हम डायमीटर्स को लर्न कर सकते हैं और एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हैं। पी से देखोगे बाई पेराइटल डायमीटर, दो पेराइटल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है। और ट्रांसफर में देखोगे बाई टेम्पोरल डायमीटर जो कोरोनल सूचर से, यह कितनी होती है, 8.5 सेंटीमीटर है। बाई पेराइटल मतलब दोनों पेराइटल बोन, पेराइटल मतलब इट मीन्स जो फ्रंटल के बाद जो बोन आती है उसको हम बोलते हैं पेराइटल बोन, उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 9.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ट्रांसवर्स में देखो बाई टेम्पोरल डायमीटर टू कोरोनल सूचर से होता है, ये कितना होता है, 8.5 सेंटीमीटर। सो इस हम लेक्चर में पूरे फेटल स्कल को कवर किए, डायमीटर बिल्कुल इजी वे में हमने पढ़ा, सूचर्स पढ़ा, फॉन्टेनल्स पढ़े कि टू फॉन्टेनल्स होते हैं, एंटेरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, इनके हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से। एंड हमने पढ़ा बोन्स, पढ़ा कितने बोन्स होते हैं, 7 वोल्ट में पूरे 7 वोल्ट होते हैं। फर्स्ट होता है फ्रंटल, 2 टेम्पोरल, 2 पेराइटल एंड 1 ओसिपिटल जो पीछे की तरफ होता है, पेराइटल बीच में होता है, टेम्पोरल साइड में होता है एंड फ्रंटल आगे की तरफ होता है। ओके, एंड बोन्स सूचर्स वो होते हैं जहाँ पे हमारी सारी बोन्स होके एक दूसरे से जुड़ रही है, दिस इज अ सूचर, जहाँ सूचर आके जुड़ रहे हैं उसे हम बोलते हैं फॉन्टेनल। इट मीन्स वहीं पे क्या होती है, वो गड्ढा शेप में हो जाती है, चूँकि उनको भरने में पूरा टाइम लगता है। सो फिटल स्कल कम्प्लीटली कम्प्लीट हुआ है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।